हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन एकॉम्पलाइज्ड, यानी कि प्रोटीन का जो डाइजेशन जो होता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है। ऑप्शन है स्टोमक, ऑप्शन बी है ईलियम, ऑप्शन सी है रेक्टम एंड ऑप्शन डी है आपके पास ड्यूडेनम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईलियम। जो प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है कंप्लीट रूप से, वो कहाँ पर होता है? ईलियम में। इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। चलिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। जो प्रोटीन डाइजेशन कहाँ कहाँ पर होता है? हमारा स्टोमक में होता है, जेजुनम में होता है और कहाँ पर होता है? ईलियम में। कहाँ कहाँ पर होता है? स्टोमक, जेजुनम और ईलियम में होता है। और ये कंप्लीट कहाँ पर होता है? ईलियम में। कंप्लीट कहाँ पर होता है? ईलियम में। जो ईलियम की सेल्स जो होती हैं वो क्या सीक्रेट करती है? प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट एंजाइम को। क्या सीक्रेट करती हैं? प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट जो एंजाइम है उसको ये सीक्रेट करती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फाइनल स्टेज ऑफ प्रोटीन। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो जो प्रोटीन का जो लास्ट जो स्टेज में जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? ईलियम में। कहाँ पर होता है? ईलियम में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या गिवन है यहाँ पर? रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस ऑन डिटेक्शन ऑफ फैट एंड प्रोटीन इज स्टिमुलेटेड बाय। ऑप्शन ए है एंटेरोकाइनेज, ऑप्शन बी है कोलसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिनोजन, ऑप्शन डी है सिक्रेटिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलसिस्टोकाइनिन। क्या होगा? कोलसिस्टोकाइनिन। जो कोलसिस्टोकाइनिन जो है हार्मोन जो है, ये क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है? रिलीज होता है। और ये गॉल ब्लैडर जो है उसको क्या करता है? स्टिमुलेशन करता है फॉर रिलीज बाइल। बाइल के रिलीज के लिए उसको क्या करता है? स्टिमुलेशन करता है। और इसके साथ साथ जो कोलसिस्टोकाइनिन जो होता है, जो सिक्रेटिन जो हार्मोन है, उसको क्या करता है? स्टिमुलेशन करता है। और सिक्रेटिन हार्मोन क्या करेगा बाद में? फिर पैनक्रियाटिक जूस को क्या करेगा? रिलीज़ करने के लिए पैनक्रियास को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं हम, जो सबसे पहले जो इन्वॉल्व होगा पैनक्रियाटिक जूस के लिए स्टिमुलेशन करने के लिए, वो क्या होगा? कोलसिस्टोकाइनिन। और नॉर्मली क्या होता है? सिक्रेटिन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कोलसिस्टोकाइनिन। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोलसिस्टोकाइनिन ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कोलसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर। किसको स्टिमुलेट करता है? गॉल ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज स्टोरेड बाइल इनटू द इंटेस्टाइन। इट आल्सो स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रेटिन, सिक्रेटिन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड मे इंड्यूस स्टेटी। तो जो सिक्रेटिन जो हार्मोन उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो सिक्रेटिन हार्मोन क्या करेगा? पैनक्रियास को क्या करेगा? स्टिमुलेशन, जिससे पैनक्रियाटिक जूस क्या होगा? रिलीज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या गिवन है? ऑक्सेंटिक सेल्स इन स्टोमक सीक्रेट, जो स्टोमक में जो ऑक्सेंटिक सेल्स होती है वो किसका स्त्रावण करती हैं? ऑप्शन है पेप्सिन, ऑप्शन बी है म्यूकस, ऑप्शन सी है आपके पास HCl एंड ऑप्शन डी है रेनिन। तो ऑक्सेंटिक सेल्स जो होती हैं वो क्या है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका सिक्रेशन करती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑक्सेंटिक सेल्स, इनको हम क्या बोल सकते हैं? और पेराइटल सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? पेराइटल सेल्स आर द स्टोमक इपिथीलियम सेल्स विच सीक्रेट गैस्ट्रिक एसिड HCl। किसको स्त्रावण करते हैं? जो गैस्ट्रिक एसिड जो होता है HCl, उसका ये स्त्रावण करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि बुर्नल ग्लैंड्स आर फाउंड इन, जो बुर्नल ग्लैंड है वो कहाँ पर देखने हमको मिलती हैं? ऑप्शन है स्टोमक, ऑप्शन बी है ड्यूडेनम, ऑप्शन सी है ईलियम एंड ऑप्शन डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो बुर्नल ग्लैंड्स होती है वो हमको देखने मिलती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट जो होता है वहाँ पर ये हमको देखने मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ड्यूडेनम। क्या होगा? बी। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। बुर्नल ग्लैंड आर्स फाउंड इन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नाउन एज ए ड्यूडेनम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है वहाँ पर हमको बुर्नल ग्लैंड्स क्या है देखने मिलती है। विच सीक्रेट म्यूकस, ये क्या है किसका स्त्रावण करती है? म्यूकस का एंड बाइकार्बोनेट।
किस किस का स्त्रावण करती है, सिक्रेशन करती है म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड। जो स्टोमक से क्या है कि एसिड युक्त जो हम जो फूड ड्यूडेनम में आता है उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज करता है, क्या है उसको उदासीन बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ड्यूडेनम बुर्नल ग्रैंड हमको ड्यूडेनम में देखने मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ड्यूरोफ्थेलमिया इन चिल्ड्रंस एंड नाइट ब्लाइंडनेस इन एडल्ट इज कैस्ड बाई डिफिशेंसी। यानी कि जो ड्यूरोफ्थेलमिया जो होता है चिल्ड्रन में जो होता है और नाइट ब्लाइंडनेस जो एडल्ट में जो होता है ये किसकी डिफिशियंसी से होता है। तो हम सभी जानते हैं किसकी डिफिशियंसी से होता है, विटामिन ए। विटामिन ए की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो वो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या डिजीज हो जाती है, और ड्यूरोफ्थेलमिया जो होती है वो चिल्ड्रंस में हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्या होगा ए। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ड्यूरोफ्थेलिया इज़ ए मेडिकल कंडीशन इन विच द आई फेल्स टू प्रोड्यूस टीयर्स। ड्यूरोफ्थेलिया में क्या होता है, जो आई जो होती है वो क्या है, जो उससे जो टीयर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उसको प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल नहीं होती है। इट मे बी कैजेस बाई विटामिन ए डिफिशियंसी, किससे होती है, विटामिन ए की डिफिशियंसी। नाइट ब्लाइंडनेस आल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम निक्टेलोपिया, मीन्स ए पर्सन कैन नॉट सी वेल एट नाइट। यानी कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसमें जो व्यक्ति जो है वो नाइट में क्या है कि अच्छे से नहीं देख पाता है, इन पोअर लाइट और जो कम लाइट होती है उसमें भी वो नहीं देख पाता है। इट में केस बाई विटामिन ए डिफिशियंसी, ये भी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए के डिफिशियंसी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स का गिवन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन आर। जो फूड एब्जॉर्प्शन जो होती है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है। तो हम सभी जानते हैं जो फूड एब्जॉर्प्शन की फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, बिलाई। क्या होती है, ये हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने मिलती है, और इस और बिलाई जो होती है ये फंक्शनल यूनिट होती है फूड एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि भोजन को अवशोषण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बिलाई। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बिलाई दिस सिंगुलर ऑफ विच इज बिलस, इसको हम सिंगुलर रूप से क्या बोलते हैं, बिलस आर। ये क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कहाँ पर मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डेट हेल्प एब्जॉर्ब फूड मोर इफिशेंटली इन बॉडी, ये फूड को एब्जॉर्ब करती है मोर इफिशेंटली इन बॉडी यानी शरीर में। और पियर पैचेस जो इसमें दिए हुए ऑप्शन में वो क्या है कि फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो पियर पैचेस क्या है वो किस में इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं, इम्यून सिस्टम में, बाई मॉनिटरिंग इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया पॉपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो बिलाइज होती है वो फंक्शनल यूनिट होती है फूड एब्जॉर्प्शन के लिए, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ, यानी जो सिक्रेटिन जो होता है वो किसके स्टिमुलेशन को प्रोडक्शन के लिए क्या हेल्प करता है। ऑप्शन है सिलाइवा, ऑप्शन बी है आपके पास गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन सी है बाइल एंड ऑप्शन डी है पैनक्रियाटिक जूस। तो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि कोलसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेशन करता है, और कोलसिस्टोकाइनिन सिक्रेटिन हार्मोन को क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है, और सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पैनक्रियाटिक जूस, क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपके पास उपलब्ध है, क्या है कि सिक्रेटिन हार्मोन एज ए टाइप ऑफ ए फायरमैन, इट इज़ रिलीज इन रेस्पॉन्स टू एसिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट द पैनक्रियास एंड बाइल डक्ट टू रिलीज ए फ्लूड ऑफ बाइकार्बोनेट बेस विच न्यूट्रलाइज द एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर केविन है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड ऑकर्स इन, जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है वो कहाँ पर हमको पाई जाती है। तो जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है वहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बिलो ईयर्स एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मियोटस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बिलो ईयर्स एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मियोटस, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। द वर्ड पैरोटिड का मीनिंग क्या होता है, पैरियोटिक,
यानी कि लिटरली मींस बिसाइड द ईयर, इसका मीनिंग क्या होता है बिसाइड द ईयर, तो ये इसका आंसर क्या होगा बिलो ईयर्स एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स, तो ए इसका राइट आंसर होगा। जो पैरोटिड ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है ईयर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन गिवन है, ऑन दी फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एमाइलेज भी प्रेजेंट होता है, एंड्रोगेस्टोस्टेरोन ये जो हार्मोन जो होता है ये क्या है एक प्रकार का ये क्या है हार्मोन है जो कि एंजाइम नहीं है, और एंटेरोकाइनेज ये क्या है यहाँ पर एंजाइम, तो एंटेरोगेस्टेरोन जो होता है ये क्या है एंजाइम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एन एंटेरोगेस्टेरोन इन इज हार्मोन सीक्रेटेड बाई म्यूकेसा ऑफ ड्यूडेनम, किससे सीक्रेशन होता है जो म्यूकेसा जो होती है ड्यूडेनम की वहाँ से इसका स्त्रावण होता है इन दी लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन द रेस्पॉन्स टू डायट्री लिपिड डेट इनहिबिट द फॉरवर्ड मोशन ऑफ कंटेंट ऑफ काइन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, द मूवमेंट्स इन द गट वाल आर नाउन एज, जो मूवमेंट जो होती है गट वाल में वो किस प्रकार की होती है, हम सभी जानते हैं मूवमेंट्स इन गट वाल या डाइजेस्टिव ट्रैक में जो मूवमेंट जो होती है जो गति जो होती है वो किस प्रकार की होती है पेरिस्टेलाइसिस, क्या होती है पेरिस्टेलाइसिस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, पेरिस्टेलाइसिस इज द इनवॉलंटरी कॉन्स्ट्रक्शन, क्या है इनवॉलंटरी कॉन्ट्रक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन और अनदर कैनाल क्रिएटिंग वेव लाइक मूवमेंट्स विच पुश द कंटेंट्स ऑफ द कैनाल फॉरवर्ड, जो कि क्या है कि जो कैनाल जो होती है डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है उसमें फूड को क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है कि उसको पुश करने करती है, ये इस प्रकार की जो हमको मूवमेंट इसमें देखने मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी पेरिस्टेलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज चेंज टू ट्रिप्सिन, जो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन में किसके द्वारा चेंज होता है, कौन सा वो एंजाइम है या कौन सा वो हार्मोन है जिसके कारण ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन ए है गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी है एंट्रोकाइनेज, ऑप्शन सी है एंट्रोगेस्टेरोन और ऑप्शन डी है आपके पास सीक्रेटिन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटेरोकाइनेज। क्या होगा एंटेरोकाइनेज इसका राइट आंसर होगा। तो इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है, एंजाइम एंटेरोकाइनेज सीक्रेटेड बाई इंटेस्टाइनल म्यूकेसा, किससे स्रावित होता है इंटेस्टाइनल म्यूकेसा, कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिनोजन जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में जो कि एंटेरोकाइनेज एंजाइम है। ट्रिप्सिन विल इंटर एक्टिवेट्स अदर एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस, और जितने भी जो एंजाइम जो प्रेजेंट होंगे पैनक्रियाटिक जूस में उन बाकी को जो एक्टिव करेगा वो होगा ट्रिप्सिन एंजाइम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी, क्या होगा बी एंटेरोकाइनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की विनर, जाइमोजन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस, यानी कि जो जाइमोजन सेल्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है कि क्या प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन है आपके पास काइमोट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है पेप्सिनोजन, ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेप्सिनोजन। किसको सीक्रेट करते हैं किसका प्रोडक्शन करते हैं पेप्सिनोजन, जो कि क्या होता है इनएक्टिव, क्या होता है इनएक्टिव, और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो HCl स्रावित होता है ऑक्सेंटिक सेल से उसको वह क्या है कि इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, तो ये क्या है कि पेप्सिनोजन का प्रोडक्शन करती है जो जाइमोजन सेल्स जो होती है स्टोमक में, तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा सी, यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, द गैस्ट्रिक चीफ सेल्स आल्सो नाउन एज ए जाइमोजेनिक सेल्स और पेप्टिक सेल्स, जो इसको क्या बोलते हैं हम चीफ सेल्स भी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं जाइमोजेनिक, या आप बोल सकते हैं कि तो उसको पेप्टिक सेल्स, इज ए सेल इन द स्टोमक, कहाँ पर प्रेजेंट होती है स्टोमक में, डेट रिलीज पेप्सिनोजन एंड काइमोसिन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार का होता है? पेरिस्टेलाइसिस, अभी हमने देखा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी, पेरिस्टेलाइसिस। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन वही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है जो हमने पहले देखा था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, या इसको बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड कॉजेज, जो विटामिन सी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। कौन सा है? स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से। रिकेटस रोग जो होता है वो होता है विटामिन डी से। बेरी बेरी होने वाला है विटामिन बी वन से। और नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता है विटामिन ए से ये होता है। तो स्कर्वी जो डिजीज़ है वो किससे होती है? विटामिन सी से, विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट, तो इसका आप यहाँ पर क्या है कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। स्कर्वी इज अ डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम ए लैक ऑफ विटामिन सी। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। इसके अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं क्या होते हैं? वीकनेस, फीलिंग टायर्ड, कर्ली हेयर हो जाते हैं एंड सोर्स आर्म एंड लेग्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट हुमन इज, जो एडल्ट हुमन है उसका डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं जो एडल्ट जो हुमर्स जो होता है उसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है इस प्रकार से होता है 21, 23 और 21, 23, इस प्रकार से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का कि बिना पीएच ऑफ स्टोमक इज मैट 7, जो स्टोमक की जो पीएच है वो हमने मान लिया यहाँ पर 7 यानी कि न्यूट्रल है। विच कंपोनेंट ऑफ फूड वुड बी अफेक्टेड, यानी फूड का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि प्रभावित होगा यानी अफेक्टेड होगा? ऑप्शन है स्टार्च, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है फैट एंड ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रोटीन। क्या होगा? बी, क्योंकि जो पेप्सिन जो हार्मोन है वो क्या है कि एसिडिक मीडियम में कार्य करता है। किसमें? एसिडिक मीडियम में, जो कि प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। यदि इसकी पीएच हमने 7 कर दी तो एसिडिक मीडियम वो नहीं रहेगा, तो इसी कारण प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो अफेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आप इसका क्या देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, पेप्सिन एन एंजाइम इन द स्टोमक डेट ब्रेक डाउन प्रोटीन रिक्वायर एन एसिडिक इन्वायरमेंट। क्या है? एसिडिक इन्वायरमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फैटी एसिड एंड ग्रीस रोल आर फर्स्ट एब्जॉर्ब बाई। तो फैटी एसिड और ग्रीस रोल जो होते हैं किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं? तो ये होते हैं लिम्फ वेसल्स के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फ वेसल्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है फैटी एसिड एंड ग्रीस रोल इंस्टेंट ऑफ बींग एब्जॉर्ब डायरेक्टली इंटू कैपिलरी ब्लड्स ऑफ विलस आर ट्रांसपोर्टेड फर्स्ट इंटू दी लिम्फेटिक वेसल्स। कहाँ पर? लिम्फेटिक वेसल डेट पेनेट्रेट्स इंटू ईच विलस। सबसे पहले मतलब कि फर्स्ट ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होता है? लिम्फेटिक वेसल्स में। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? ईच विलस यानी जो बिलाई होती है वहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इंटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज, यानी कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोकती है? तो उसका वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है? एपिग्लोटिस। क्या होती है? एपिग्लोटिस जो होती है ये फूड जो होता है इसको जो वाइंड पाइप जो होता है यानी कि ट्रेकिया जो होता है उसमें जाने से ये रोकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रेजेंट है द फंक्शन ऑफ द एपिग्लोटिस इज डैट इट अलाउ एयर टू पास थ्रू द लैरिंग्स एंड इनटू द रेस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन स्वेलिंग फूड और ड्रिंक। जब हम फूड और ड्रिंक को स्वेल करते हैं इट कवर्स द एंट्रेंस टू द लैरिंग्स टू प्रिवेंट फूड एंड ड्रिंक फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया। यानी ट्रेकिया जो है उसको वाइंड पाइप जो उसमें से क्या जाने से रोक देती है। जो फूड जो होता है कोई भी हम ड्रिंक पीते हैं या कोई भी पानी वगैरह पीते हैं उसको ये रोक देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है एंजाइम ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाई। एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ किससे सीक्रेटेड होता है? तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम जो होता है वो कहाँ है? पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाटिक जूस में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैनक्रियास। क्या होगा? सी। तो इसका यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिप्सिन इज ए प्रोड्यूस इन पैनक्रियास एज दी इनएक्टिव प्रोटीएस ट्रिप्सिनोजन। किस फॉर्म में होता है? ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में ये क्या होता है?
रिलीज होता है, और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है? एंटेरोकाइनेस एंजाइम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, डाइजेस्टिव जूस लैकिंग एंजाइम बट एडिंग इन डाइजेशन इज। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है कि वह डाइजेस्टिव जूस जिसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं हो, उसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं हो बट एडिंग इन डाइजेशन, लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन है काइल, ऑप्शन बी है काइम, ऑप्शन सी है बाइल एंड ऑप्शन डी है शक्कस इंटेरिकस। जो बाइल जो होता है इसमें, याद रखना, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। और ये क्या है कि जो फैटी एसिड जो होते हैं उनके इमल्सिफिकेशन या लिपिड जो होते हैं उनको, इसके इमल्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है इसको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होने वाला है। आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, बाइल एक्ट एज सम एक्सटेंट एज ए सर्फेक्टेंट हेल्पिंग टू इमल्सिफाई दी लिपिड्स इन फूड। लिपिड के जो इमल्सिफाई है उसको उसमें हेल्प करता है। दी डिस्पर्शन ऑफ फूड फैट इन टू मिसेल्स दूस प्रोवाइड ए ग्रेटली इंक्रीज सर्फेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ द एंजाइम पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की भी यहाँ पर, थाइमिन B1 यानी कि जो विटामिन B1 की डिफिशेंसी से कौन सा रोग होता है? तो B1 से हमें कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी जो डिजीज़ है वो किससे होती है? विटामिन B1 से बेरीबेरी डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या की बिना है, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ई या टोकोफेरोल ब्रिंग्स अबाउट, यानी कि विटामिन ए की कमी से या टोकोफेरोल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है स्कर्वी, ऑप्शन बी है बेरीबेरी, ऑप्शन सी है स्लो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऑप्शन डी है इम्पोर्टेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इम्पोर्टेंस। इसी को बोलते हैं हम रिकेटस। क्या बोलते हैं? रिकेटस ही इसी को बोलते हैं, इम्पोर्टेंस जो डिजीज़ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ई या टोकोफेरोल कॉजेस नर्व प्रॉब्लम्स ड्यू टू पुअर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अलोंग नर्व्स ड्यू टू चेंज इन नर्व मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। विटामिन ई मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैन कैन सफर्स फ्रॉम एनलार्ज प्रोस्टेट और इम्पोर्टेंस एंड स्टेरिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि बिना, क्वेश्चन नंबर 23, पेप्सिन एक्ट इन। तो पेप्सिन जो कार्य करता है ये क्या है कि स्टोमक में इसका क्या होता है? सिक्रेशन होता है, और किससे होता है? जो चीफ सेल्स होती है उनसे। किससे? जो चीफ सेल जो होती है उनसे इसका सिक्रेशन होता है, और ये कार्य करता है एसिडिक मीडियम में। कहाँ पर? एसिडिक मीडियम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेप्सिनोजन एक्टिवेट्स टू पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका पीएच होता है 1.22 लगभग 3.5 के आसपास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है, ए गुड सोर्स ऑफ लाइपेज इज। लाइपेज का अच्छा जो सोर्स है वो कौन सा है? तो सिलाइवा, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन सी है बाइल एंड ऑप्शन डी है पेनक्रियाटिक जूस। जो लाइपेज का जो अच्छा सोर्स होगा, गुड सोर्स है, वो क्या है? पेनक्रियाटिक जूस। क्या है? पेनक्रियाटिक जूस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिक्विड सीक्रेटेड बाई द पेनक्रियाज डैट कंटेंस ए वेराइटी ऑफ एंजाइम। जो पेनक्रियाज के द्वारा जो पेनक्रियाटिक जूस जो सिक्रेशन होता है उसमें क्या है कि वेराइटी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंक्लूडिंग ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, इलास्टेस, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड एमाइलेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है, कार्डियक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। जो कार्डियक ग्लैंड्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए है पेरिकार्डियम में, ऑप्शन बी है मायोकार्डियम, ऑप्शन सी है एंडोकार्डियम एंड ऑप्शन डी है स्टोमक। जो कार्डियक ग्लैंड्स हमको देखने मिलती है वो मिलती हैं स्टोमक में। किसमें? अमाशय जो होता है, स्टोमक जो होता है, वहाँ पर हमको कार्डियक ग्लैंड्स देखने मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्डियक ग्लैंड्स आर फाउंड इन दी
कार्डिया ऑफ द स्टोमक विच इज़ द पार्ट नियरेस्ट टू हार्ट, यानी कि जो स्टोमक का जो कार्डियक वाला पार्ट होता है वहाँ पर हमको कार्डियक ग्लैंड देखने मिलती है जो कि हार्ट के सबसे पास वाला पार्ट होता है। द प्राइमरी सीक्रेट म्यूकस, और जो कि क्या है म्यूकस का सिक्रेशन करता है। तो यहाँ पर ये जो कार्डियक वाला पार्ट है यहाँ पर हमको कार्डियक ग्लैंड देखने मिलती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या गिवन है, टाइलिन इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन, यानी कि जो टाइलिन जो एंजाइम है वो कहाँ पर हमको प्रेजेंट होता है, कहाँ पर वो देखने मिलता है। तो हम सभी जानते हैं टाइलिन जो एंजाइम है वो हमको सिलाइवा में देखने मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, एन एंजाइम फाउंड इन सिलाइवा ऑफ वुमन्स एंड हर्बीवोरस एनिमल्स डेट हेल्प इन दी प्री डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यानी जो कि स्टार्च का जो प्री डाइजेशन करता है उसमें हेल्प करता है, और टाइलिन्स जो है एक प्रकार का एमाइलेज एंजाइम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा डी, सिलाइवा में हमको टाइलिन एंजाइम देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कैल्शियम डिफिशियंसी ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ विटामिन, यानी जो कैल्शियम डिफिशियंसी वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो हम सभी जानते हैं कैल्शियम की कमी से, जो कैल्शियम की डिफिशियंसी जो होती है वो किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से, जिससे बोन्स क्या हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी। तो इसका यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स बिकॉज इट हेल्प द बॉडी यूज कैल्शियम फ्रॉम द डाइट। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, पियर पैचेस फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर, यानी जो पियर पैचेस जो पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो ये किस प्रकार के टिशू होते हैं। तो पियर पैचेस जो होते हैं ये होते हैं लिम्फेटिक टाइप के टिशू, किस प्रकार के लिम्फेटिक टाइप के ये टिशू होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, पियर पैचेस आर स्मॉल मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिशू फाउंड थ्रू आउट द ईलियम रीजन, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ईलियम रीजन में ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब इन ईलियम, निम्नलिखित में से कौन सा है जो ईलियम में एब्जॉर्ब होता है। तो ऑप्शन है आपके पास फैट, ऑप्शन बी है आपके पास बाइल साल्ट, ऑप्शन सी है विटामिन के, एंड ऑप्शन डी है आपके पास ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा बाइल साल्ट, बाइल साल्ट जो होते हैं वो क्या है कि ईलियम में एब्जॉर्ब होते हैं। तो आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, विटामिन बी 12 इज एब्जॉर्ब जस्ट बिफोर द स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइन द लार्ज इंटेस्टाइन, जो बाइल साल्ट आर रीअब्जॉर्ब इन डिस्टल ईलियम, जो ईलियम का जो दूर वाला जो पार्ट है वहाँ पर क्या है बाइल साल्ट एब्जॉर्ब होते हैं एंड द असेंडिंग कोलोन। बाइल साल्ट कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, असेंडिंग कोलोन में भी होते हैं और डिस्टल ईलियम में भी होते हैं, जो ईलियम का जो डिस्टल वाला जो पार्ट है वहाँ पर ये एब्जॉर्ब होता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला था बाइल साल्ट, क्या होगा बाइल साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टी है यहाँ पर, जर्म्स इंटरिंग द बॉडी अलोंग विद फूड आर किल्ड इन एलिमेंट्री कैनाल वेयर पीएच इज, यानी कि जर्म्स क्या है कि फूड के द्वारा क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या इंटर कर गए, सपोज बैक्टीरिया हो गया, कोई पैथोजेनिक हो गया, और वो क्या है कि वो किल्ड हो जाते हैं यानी मर जाते हैं, और वो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है और वो वहाँ पर पीएच का मान कहा क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं जो स्टोमक जो होता है वहाँ पर पीएच लगभग 1.2 से 3.5 के आसपास होती है, जो कि किसके कारण होती है एचसीएल के कारण, किसके कारण एचसीएल के कारण, जिससे जो पैथोजेनिक जो होता है कोई भी बैक्टीरिया यदि एंटर कर गया तो उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3, क्या होगा सी। तो यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, दी पीएच ऑफ गैस्ट्रिक एसिड 1.5 to 3.5 इन दी ह्यूमन स्टोमक लुमेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दी हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टूथ इज, जो दांत जो होता है उसका हार्डेस्ट कंपोनेंट क्या है। तो उसका हार्डेस्ट कंपोनेंट क्या होता है इनेमल, क्या होता है इनेमल, उसका हार्डेस्ट कंपोनेंट होता है किसी भी दांत का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और ये बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी एंड कंटेन्स द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल्स, इसमें क्या है कि हाइएस्ट परसेंटेज और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। द प्राइमरी मिनरल्स इज हाइड्रोक्सी
पेट्राइट भी चीज़ है जो कि क्या है कि क्रिस्टलाइन कैल्शियम फास्फेट, ये क्या है क्रिस्टलाइन कैल्शियम फास्फेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर स्टार्च इज चेंज टू माल्टोस बाई, स्टार्च को माल्टोस में चेंज किसके द्वारा होता है, डाइस्टेस या एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर बो शेफ्ट लैक्स इन चिल्ड्रंस आर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, जो बो शेफ्ट जो लैक्स जो हो जाता है चिल्ड्रन में वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी के कमी से। किसके कारण विटामिन डी के कमी से क्या हो जाते हैं लैक्स क्या होते हैं बो शेफ्ट के हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, बो शेफ्ट लैग या आप बोल सकते हैं उसको डबल मेलोई, इसी को बोलते हैं हम रिकेटस। क्या बोलते हैं रिकेटस, इस केस ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी या बोल सकते हैं इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी का क्या है कि अच्छी तरह से क्या नहीं हो रहा मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बो शेफ्ट जो लेग्स हो जाते हैं चिल्ड्रन में वो विटामिन ए की विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर सक्कस इंटेरिकस इज, सक्कस इंटेरिकस हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस को, सबको पता है किसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस को। इसका आंसर होगा बी, क्या होगा बी इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्कस इंटेरिकस द क्लियर टू पेल येलो वाटर सीक्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड्स लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन वास, इट कंटेंस हार्मोन्स डाइजेस्टिव एंजाइम म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। तो क्या होगा बी इसका आंसर होगा इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर गिवन है द इंटेस्टाइनल जूस सक्कस इंटेरिकस इज सीक्रेटेड बाय, जो इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस जो होता है वो किसके द्वारा सीक्रेशन इसका होता है। तो ऑप्शन ए है बिलाई, ऑप्शन बी है क्रप्ट ऑफ लिवर कुहन, ऑप्शन सी है ब्रूनल ग्लैंड्स, ऑप्शन डी है क्रप्ट ऑफ लिवर कुहन एंड ब्रूनल ग्लैंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रप्ट ऑफ लिवर कुहन एंड ब्रूनल ग्लैंड्स, इसके द्वारा इंटेस्टाइनल जूस का क्या होता है सीक्रेशन होता है। यहाँ पर आप इसका क्या है कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, सक्कस इंटेरिकस एन एंटीक्वेटेड नॉन स्पेसिफिक टर्म फॉर दी सम टोटल ऑफ इंटेस्टाइनल सीक्रेशन, यानी कि सक्कस इंटेरिकस हम किसको बोलते हैं सम टोटल ऑफ इंटेस्टाइनल सीक्रेशन, यानी कि जितना भी इंटेस्टाइनल सीक्रेशन होता है उसके टोटल जो सीक्रेशन होता है उसको बोलते हैं हम सक्कस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस हम उसको बोलते हैं। क्रफ्ट ऑफ लिवर कोहन एंड ब्रूनल ग्लैंड्स आर बोथ आर प्रेजेंट स्मॉल इंटेस्टाइन, क्रफ्ट ऑफ लिवर कोहन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एग्जांपल पेप्टिडेज एंड सुक्रोज माल्टेज या लैक्टेज, और ब्रूनल ग्लैंड सीक्रेट बाइकार्बोनेट, किसको सीक्रेशन करते हैं बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्योंकि बिना हार्मोन सिक्रेटिन इज प्रोड्यूस बाय, जो हार्मोन जो होता है सिक्रेटिन वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, हम सभी जानते हैं सिक्रेटिन जो हार्मोन ये प्रोड्यूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, किससे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इसका आंसर होगा सी इंटेस्टाइन। तो क्या होगा सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, सिक्रेटिन इज सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्मिक सिक्रेटरी ग्रैनुल्स ऑफ एस सेल्स विच आर फाउंड मेनली इन म्यूकेसा ऑफ डूडेनम, कहाँ पर एस सेल से ये सिक्रेशन होता है और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं म्यूकेसा ऑफ डूडेनम विच इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इसी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कॉमन पैसेज ऑफ स्वेलिंग फूड एंड ब्रेथिंग, यानी कि फूड और ब्रेथिंग जो होता है उसका कॉमन पैसेज कौन सा है, कॉमन मार्ग कौन सा है। तो इसका आंसर होगा फेरिंग्स, क्या होगा फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पाथ होता है दोनों के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो बी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा बी। यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, द फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ बोथ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम इट्स मस्कुलर वाल्स फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग एंड इट्स सर्व एज ए पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू द ईसोफेगस, कहाँ से कहाँ तक माउथ से ईसोफेगस तक यह फूड को क्या है कि पहुँचाने का काम करता है। एज ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इट अलाउ फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द नोज एंड माउथ टू द लैरिंग्स इन प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा फेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कहते हैं कि स्टिमुलेशन ऑफ एसिड सिक्रेशन ऑफ स्टमक इज ड्यू टू, स्टिमुलेशन ऑफ एसिड सिक्रेशन ऑफ स्टमक इज ड्यू टू, यानी कि स्टमक में जो एसिड का सिक्रेशन जो होता है वो किसके द्वारा स्टिमुलेशन होता है।
ऑप्शन है गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी है हिस्टामिन, ऑप्शन सी है वोगल एक्टिवेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। इस सभी के कारण क्या होता है, जो स्टोमक जो होता है उसमें जो एसिड का सिक्रेशन है वो क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, क्या दिया है कि देयर आर थ्री रेगुलरली मॉलिक्यूल्स डैट स्टिमुलेट एसिड सिक्रेशन। क्या है, एसिटिकोलाइन, हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिन। इसको बोलते हैं वेगल एक्टिवेशन कॉजेस सिक्रेशन ऑफ एसिटिकोलाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाई, जो इमल्सिफिकेशन जो होता है फैट का यानी वसा का वो किसके द्वारा होता है। हम सभी जानते हैं इमल्सिफिकेशन जो होता है बाइल साल्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बाइल साल्ट जो होते हैं उसके द्वारा इमल्सिफिकेशन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइल साल्ट इट बाइंड विद लिपिड टू फॉर्म मिसेल्स, यानी कि ये लिपिड से क्या हो जाता है, बाइंड करता है, बंध बनाता है और क्या है, मिसेल्स का निर्माण करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइल साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है इन मैमल्स डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस इन, यानी कि जो मैमल्स जो होते हैं उसमें डाइजेशन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं जो मैमल्स जो होते हैं इनका डाइजेशन जो स्टार्ट हो जाता है स्टार्च का वो होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है। लगभग 30% जो स्टार्च जो है उसका पाचन कहाँ पर हो जाता है, माउथ में हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउथ। क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, दी डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिनिंग्स विद सिलावरी एमाइलेज, क्या सिलावरी एमाइलेज सीक्रेट बाई सिलावरी ग्लैंड। किससे सिक्रेशन होता है इसका, सिलावरी ग्लैंड, उस कहाँ पर होता है, माउथ में। एमाइलेज हाइड्रोलेज स्टार्च विद द प्राइमरी एंड प्रोडक्ट बींग ए माल्टोस, और यहाँ पर है माल्टोट्रोइस एंड डेक्स्ट्रीन, ऑल्सो सम ग्लूकोज इज आल्सो प्रोड्यूस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। पैनक्रियास प्रोड्यूस, पैनक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है। तो पैनक्रियास इसमें क्या दिया है कि पैनक्रियास थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम एंड टू हार्मोन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू हार्मोन कौन कौन से, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, और थ्री एंजाइम हैं ट्रिप्सिनोजन, प्रोटीएस एंड ट्रिप्सिन। क्या होते हैं, मेनली मेन तो ये होते हैं, और भी इसके साथ साथ कई हार्मोन होते हैं और क्या होते हैं, कई एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन, एस्कॉर्बिक एसिड हम किसको बोलते हैं, विटामिन सी को। किसको बोलते हैं, विटामिन सी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43। लैक्टियल स्टैक पार्ट, जो लैक्टियल्स हैं वो किसका पार्ट होती हैं। तो लैक्टियल्स जो होती है वो क्या होती हैं, फैट और फैटी एसिड जो होते हैं उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और ये हमको देखने मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी। यहाँ पर इसका क्या है एक्सप्लेनेशन, लैक्टियल इज ए लिम्फेटिक कैपिलरी डैट एब्जॉर्ब डायट्री फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन द बिलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मेरा क्वेश्चन नंबर 44। मेमेलियन टीथ आर, जो मेमेलियन टीथ होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो एक्रोडोंट, एक्रोडोंट जो होते हैं ये हमको पाए जाते हैं लगभग रेप्टाइल्स में देखने मिलते हैं। होमोडोंट नहीं होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, थीकोडोंट, हाँ ये सही है, थीकोडोंट टाइप के होते हैं। क्योंकि हमारे जो टीथ होते हैं वो क्या है, जो हमारा गम जो होता है उसमें क्या होता है, एक सॉकेट के सामान उसमें फिट होते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं हम थीकोडोंट। और पॉलीफाइडेंट नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थीकोडोंट। क्या होगा, यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं, मेमेलियन टीथ आर शंक इन सॉकेट्स, कहाँ पर होते हैं, सॉकेट्स, दूस मेमेलियन टीथ आर थीकोडोंट। क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। और एक्रोडोंट जो होते हैं डिस्क्राइब द टीथ ऑफ सम रेप्टाइल्स डैट हैव नो रूट्स, इनमें रूट्स नहीं होती है, आर जॉइंट टू जोबोन। और होमोडोंट क्या होता है, यूज टू डिजाइबल वर्टिब्रेट डेट हैव टीथ डेट आर और सिमिलर, कितने होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर शेप एज इन मोस्ट नॉन मेमिलियन वर्टिब्रेट्स में हमको देखने मिल सकते हैं। और पॉलीफाइडेंट इज एनी एनिमल्स हुज टीथ आर कंटिन्यूटली रिप्लेस, यानी कि वह एनिमल्स जिसमें जो टीथ जो होते हैं कंटिन्यूटली क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीफाइडेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थीकोडोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। डिफिशियंसी ऑफ कॉपर कजेस, यानी कॉपर की कमी से क्या होता है। तो कॉपर की कमी से क्या होता है, एनीमिया एंड डैमेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, एनीमिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, डैमेज होता है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, द करैक्टरिस्टिक ऑफ विलर्ड
इफेक्ट ऑफ कॉपर डिफिशेंसी आर एनीमिया एंजाइम्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट डिपेंड ऑन कॉपर फॉर दियर फंक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है क्वेश्चन नंबर 46, ट्रिप्सिन डिफर फ्रॉम पेप्सिन इन डाइजेशन ऑफ। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये हमको कहाँ पर किस में मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस में, और पेप्सिन एंजाइम हमको मिलता है स्टोमक में। तो जो पैनक्रियाटिक जूस में क्या है कि ट्रिप्सिन क्या है एंजाइम हमको मिलता है, तो ये क्या है कि एल्केलिन जो मीडियम है वहाँ पर ये कार्य करेगा, एसिडिक मीडियम ये करेगा और एल्केलिन मीडियम कौन सा करेगा, ट्रिप्सिन वाला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिप्सिन कैटालाइज एल्केलिन मीडियम एंड पेप्सिन जो होता है ये कहाँ पर होता है, एसिडिक मीडियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नंबर 47 का गिवन है एंटी जीरोफ्थैलिक विटामिन इज। एंटी जीरोफ्थैलिक विटामिन कौन सी है, ऑप्शन है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है आपके पास विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए जो होती है एंटी जीरोफ्थैलिक विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, एंटी जीरोफ्थैलिक इज ए विटामिन ए। एंटी जीरोफ्थैलिक विटामिन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल सब्सटेंस प्लेस वाइटर रोल्स इन विजन एपिथेलियल डिफरेंशियस ग्रोथ रिप्रोडक्शन पैटर्न फॉर्मेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस बोन डेवलपमेंट हिमेटोपोइसिस एंड ब्रेन डेवलपमेंट। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एस सी एल। निम्नलिखित में से कौन सा एस सी एल का फंक्शन नहीं है, तो किलिंग माइक्रोब्स, बिल्कुल सही है। HCl जो है वो जो फूड के साथ कोई भी माइक्रोब आ जाए उनको किलिंग करने में, उसको मारने में हेल्प करता है। बी क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ फूड डिके, बिल्कुल सही है, क्या है कि फूड डिके का प्रिवेंशन करता है, बिल्कुल सही है। सी क्या है कि सोल्यूबिलेशन ऑफ कैल्सीफाइड हार्ड पार्ट्स, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है कि स्टिमुलेशन ऑफ लाइपेज इन स्टोमक, बिल्कुल रॉन्ग है, स्टोमक में लाइपेज एंजाइम सिक्रेशन ही नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HCl का ये कार्य नहीं है। जो लाइपेज जो होता है ये हमको देखने मिलता है पैनक्रियाटिक जूस में। द मेन सोर्स ऑफ लाइपेज इन डाइजेस्टिव ट्रैक इज पैनक्रियास, जो कि मिलता है हमको पैनक्रियाटिक जूस में। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है क्वेश्चन नंबर 49, डेथ ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया विल कॉज। डेथ ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया विल कॉज, ऑप्शन है ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी है टायर्ड फीलिंग, ऑप्शन सी है रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ बी कॉम्प्लेक्स एंड के विटामिन्स, ऑप्शन डी है रिड्यूस एक्सक्रेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड के विटामिन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, यहाँ पर कैल्शियम ऑकर्स इन, कैल्शियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है ऑल बॉडी सेल्स, ऑप्शन बी है बोन्स एंड टीथ, या ऑप्शन सी है सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी है 3% ऑफ मिनरल कंटेंट। तो कैल्शियम जो हमको क्या है पूरी जो बॉडी सेल्स है उसमें देखने मिलता है, जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं उसमें हमको कैल्शियम देखने मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, कैल्शियम आयन यानी कि Ca2+ प्ले ए वाइटल रोल इन द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दिस सेल। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिग्नल ट्रांजक्शन पाथवे वेयर दे एक्ट एज ए सेकेंड मैसेंजर इन ए न्यूरो ट्रांसमीटर। जब मस्कुलर क्या होता है कॉन्ट्रक्शन होता है उसमें Ca2+ क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। तो इसलिए क्या है कि जितने भी जो सेल्स जो है वो उसमें क्या है कैल्शियम हमको देखने मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कैल्शियम हमको जितने भी सेल्स से है उसमें देखने मिलता है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस जो कि किससे थे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। इससे आगे हम इसका पार्ट सेकंड लाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो तब तक क्या कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला पार्ट जैसे आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।